नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक अकाउंट पर। और हमारे जो भी मित्र बंधु छात्र छात्राएं जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आज टेक्नोलॉजी की युग आ चुकी है और इस टेक्नोलॉजी के युग में भी बहुत लोग पीछे हैं। इसका एक ही रीजन है, समाज में बदलाव। वास्तविक रूप से एडुकेशन का मतलब समझना नहीं चाहते हैं लोग। हमारे साथी जो भी देख रहे हैं, थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक हमारी समस्या नहीं है, ये एक शिक्षक समुदाय की समस्या नहीं, एक छात्र की समस्या नहीं है, ये समस्या संपूर्ण शिक्षित व्यक्ति का है। एक शिक्षित व्यक्ति के साथ क्या क्या समस्या आती है वो समझने की आवश्यकता है दोस्त। लेकिन आज की जो हालात और सिस्टम है, गुड इवनिंग अमरेश कुमार जी जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह है, क्योंकि आज एक खान सर की बात नहीं हो रही है, ये पूरे शिक्षित समुदाय और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों सबकी बात हो रही है। जो भी मेरे से आज फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो शिक्षित हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छी सोच रख सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि खान सर के खिलाफ, खास करके वैसे लोग जो निस्वार्थ भावना से हर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। कुंदन कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। कुंदन जी, गौतम कुमार जी, रमेश कुमार जी सर जुड़ गए हैं, सूरज श्रीवास्तव जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम जैसा कि जानते हैं कि आज खान सर पर अत्यारोप और प्रत्यारोप हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुसल्लपुर हाट की जो मेरी इंस्टीट्यूट थी वो उसी बिल्डिंग में थी जिस बिल्डिंग में खान सर पढ़ाते थे। ऑफलाइन कोचिंग की मैं बात कर रहा हूं, यानी खान सर का जो बिल्डिंग था वो बिल्डिंग मेरे ठीक बगल में था। हम लोग उनको अच्छी तरीका से जानते हैं और हमें भी वो अच्छी तरीका से जानते हैं। शिक्षक की कोई जाति और धर्म नहीं होती है और शिक्षितों की कोई जाति और धर्म नहीं होती है। आज मजबूरन आना पड़ा आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सवाल पर चिंतित थे। बहुत सारे शिक्षकों को फोन भी आया, सर आप कुछ कहिए। हमारे प्रिय छात्र सभी लोग जुड़ गए हैं, अभिषेक आनंद जी जुड़ गए हैं, सबको सादर प्रणाम। समस्या एक शिक्षित शिक्षक की नहीं है, एक विद्यार्थी की नहीं है। सूरज श्रीवास्तव जी, वेरी गुड इवनिंग। ये पूरा का पूरा शिक्षित समाज के साथ है। शिक्षा से जुड़े जो भी लोग हैं उनके पर ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। आज ये समाज चुप रह जाएगा तो फिर ये बहुत बड़ी सियासी खेल नजर आएगी, क्योंकि इस में अगर आप शिक्षा को, एक बात बताइए, ईमानदारी से मैं बात बताता हूं, यदि भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो क्या अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए क्या भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं रहेगी? नमस्कार अरुण जी। यदि 3+2=5 होता है, क्या गरीब के लिए 3+2=4 हो जाएगा? क्या नेता के बच्चों के लिए 3+2=6 हो जाएगा? क्या गरीब के लिए 3+2=8 हो जाएगा? आप सोच के देखिए। शिक्षक सभी के लिए समान शिक्षा देता है। मंजित आनंद जी जुड़ गए हैं। शिक्षक के लिए कोई अलग अलग वे नहीं होता है, अलग अलग टर्म नहीं होता है। आप भोजन सब लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन पढ़ाई सब लोग एक करते हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, शोषित का बच्चा हो, वंचित का बच्चा हो, किसी समाज का बच्चा हो, हर समाज के बच्चों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा है, हर जाति के लिए एक ही फॉर्मूला है। संतोष कुमार यादव जी जुड़ गए, मेरे पुराने छात्र हैं और रेलवे में कार्यरत हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे बहुत सारे छात्र विभिन्न जगह जॉब कर रहे हैं। राजेश कुमार सुमन सर जुड़ गए हैं, पौधे वाले गुरुजी हैं समस्तीपुर से, सर को सादर प्रणाम। तो समाज में एक बदलाव के लिए हमेशा यह देखा गया है कि जो लोग अच्छा सोचते हैं समाज के लिए, जो लोग अच्छा करते हैं समाज के लिए, उन पर खास करके उंगलियां उठाई जाती है। और यदि सब दिन यदि चुप रहे, आज बहुत मैं खुश हूं कि छात्र समुदाय खास करके शिक्षक समुदाय के प्रति आज बहुत बड़ी सहानुभूति दिखाई है। मैंने छात्रों को देखा, बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा कि पूरा सपोर्ट खान सर लिखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक छात्र की बात नहीं हो रही है, एक शिक्षक की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है शिक्षा की बात हो रही है। एक समाज शिक्षित होता है तो कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। लेकिन खास करके समाज में जो अच्छे काम करते हैं उन पर खास करके उंगलियां उठाई जाती है। यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। यह सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक समुदाय में जीना संभव नहीं है। कुछ अच्छे लोग रहते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। कुमार पवन जी मेरे पुराने छात्र हैं, रेलवे में कार्यरत हैं इंजीनियर के पद पर। तरुण सर जुड़ गए हैं, दीपक बत साहब जुड़ गए हैं, सूर्यकांत साहब, डॉक्टर सूर्यकांत साहब जुड़ गए हैं। तो समाज में बदलाव के लिए आपकी एक अच्छी नजरिया की जरूरत है। कुंदन कुमार जी जुड़ गए हैं, कुंदन कुमार जी हमारे पुराने छात्र और बिहार सरकार में इंजीनियर हैं। अमित कुमार शाही जी जुड़ गए हैं, ये भी इंजीनियर हैं और मेरे पुराने छात्र हैं। तो सभी को नमस्कार। कुंदन जी जुड़ गए हैं, रेलवे में कार्यरत हैं। संतोष कुमार यादव जी जुड़ गए हैं। तो समाज में एक बदलाव की जरूरत है। एक बंदा कितना यूट्यूब पर एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत है, खास करके जो यूट्यूब चलाते हैं उनको पता होगा। हम लोग वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, लाइव क्लास में कितनी समस्या होती है आप सोच नहीं सकते हो। जब कोई लाइव क्लास की शुरुआत करता है तो उसको बहुत सारे चीजों को सामना करना पड़ता है। ये बात तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक शिक्षित समुदाय एक साथ नहीं होगा। शिक्षा से जुड़े हुए जितने लोग हैं अगर एक मंच पर आ जाएंगे, ये समाज में जो विद्रोही प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जाति में बांटने का काम करते हैं, वही लोग आज खान सर पर उंगली उठा रहे हैं। यदि समुदाय में बदलाव चाहिए तो आपको एक मंच पर शिक्षित लोगों को आना पड़ेगा। जबकि बात यदि की जाए, लोग कहते हैं कि कुछ से कुछ वीडियो बनाते हैं। अरे भाई साहब, आपको यदि लगता है ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप क्यों देखते हो? यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके काम के लायक नहीं है, मैं गलत चीज बताता हूं, तो आप क्यों देखते हो? इसको जाति और धर्म से क्यों जोड़ते हो? शिक्षित समुदाय का एक ही प्रश्न है, आपने किसी भी आदमी को जानने से पहले लाड़छन कैसे लगा दिया? मुकुल जी जुड़ गए हैं, रजनीश कुमार जी जुड़ गए हैं। लाड़छन कैसे आपने लगा दिया कि वो आदमी समाज को बांटने का काम कर रहा है, जाति में बांटने का? ये बात आपकी गलत है। आपको लगता है कि YouTube पर वो गलत चीज बताते हैं तो आप मत देखो ना, क्यों आप देखते हो? यदि मैं कोई चीज पढ़ाता हूं YouTube पर, मैं भी YouTube पर पढ़ाता हूं, तो आपको लगता है गलत चीज तो आप मत देखो। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप उस पर अत्यारोप और प्रत्यारोप का काम करेंगे क्योंकि आपसे वो काम होने वाला नहीं है। वैसे लोग ही उन पर आज लड़छन लगा रहे हैं जो लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षा की तुलना समाज और जाति में की ही नहीं जा सकती है। ये बात सोचने और समझने की, जो जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों से आग्रह है, शेयर कर दो बाबू। और आप बताओ सर, क्या समाज में जरूरत है या नहीं है? समाज को एक मंच पर आने की आवश्यकता है या नहीं है? समाज के लोगों को एक साथ रहने की आवश्यकता है या नहीं है? आज आप और हम खड़ा नहीं होंगे तो खड़ा कौन होगा? दिन रात मेहनत करके लोग वीडियो, मैं भी वीडियो क्लास लेता हूं, तो आप सोच नहीं पाओगे इतनी विकट परिस्थिति में भी घर बैठे मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं और उसमें भी फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहा। लोग
तो पर भी लालचन लगाओगे तो मत देखो आप। लेकिन जितने भी साथी मुझे सपोर्ट कर, सन्नी जी मेरे पुराने छात्र हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, सुमित थोराज जी सिविल के हैं, मोनू जी, जितने भी छात्र मेरे से देख पा रहे हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी से आग्रह है वीडियो को थोड़ा शेयर करो बाबू। आयुष गुप्ता जी, रजनीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आज खान सर को आपकी जरूरत है। हमको पता है कि खान सर के आप साथ नहीं भी आएंगे तो उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनके साथ पूरा शिक्षक समुदाय खड़ा हो चुका है। लेकिन मेरा आग्रह है कि आप जैसे नौजवान साथी को सच के साथ रहनी चाहिए। जो आदमी खास करके ऑफलाइन क्लास में यदि देखे होंगे, वो आदमी 100 रुपया में डिस्कशन कराता है बबू, डेली 100 रुपया में डिस्कशन कराता है, 1 घंटे का। आप सोचो कि 30 रुपया तो पेज का लग जाएगा। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। संतोष यादव जी, आपकी सफलता में सब लोगों का सहयोग है। मेरा यह मानना है कि 100 रुपया में लोग डिस्कशन कराता है, किस भी उसे कुछ ना कुछ तो आपसे चाहत रखता है। आज आपको सपोर्ट की जरूरत है। यदि आप आज सपोर्ट नहीं करेगा तो सपोर्ट कौन करेगा? आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सभी से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों, जो आदमी इस तरह के हरामी टाइप के लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए कि खान सर के पक्ष में बोलने वाले की कमी नहीं है। इस देश में हर चीजों को जाति और समाज के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन कब तक आप जोड़ते रहे यार, खास करके शिक्षक समुदाय को, शिक्षक समुदाय पर लालचन लगाने का जो काम कर रहे हैं। फ्री में आपको एडुकेशन दिया जा रहा है, यूट्यूब पर आप देखो, इतनी सेवा इस कोरोना के समय में इतनी सेवा कौन कर रहा है? अरे शिक्षक ओरिजिनल कोरोना वॉरियर है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इस कोरोना काल में भी हर आदमी को हर घर में शिक्षा पहुंचाने का काम एक शिक्षक कर रहा है, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप YouTube पर जाओ, कितना वीडियो, हजारों हजार लाखों करोड़ों अरबों वीडियो फ्री में पड़ा हुआ है। डब्लू कुमार जी जुड़ गए हैं, रितेश प्रजापति, राजेश राणा भैया जुड़ गए हैं, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। भूपेंद्र जी जुड़ गए हैं, सुमित जी जुड़ गए हैं, संतोष कुमार यादव जी, आप सोच रहे तो शिक्षक इतने कम पैसा में इतनी चीजों को पढ़ाते हैं। हमारे से भी बहुत छात्र पढ़े हैं। क्या 10,000 रुपया में आपको कोई नौकरी दे देगा? 10,000 में आपको मैं एजुकेशन दिया, 5,000 में एजुकेशन दिया, 2,000 में एजुकेशन दिया। फ्री में YouTube पर जाओ, YouTube पर आप देखोगे हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन आप एक बार भी आवाज सपोर्ट में नहीं उठाते हैं। महेंद्र सर जुड़ गए हैं, स्वीन पटेल जी जुड़ गए हैं, डब्लू जी जुड़ गए हैं, लेकिन समझने की जरूरत है, पैसा से क्या एडुकेशन खरीद लोगे? कभी नहीं। आप पैसा से एडुकेशन को नहीं खरीद सकते हो दोस्त। क्या यदि बात करें 3,000 रुपया में कोई आदमी पढ़ाता है बिना क्लास गए, बिना मेहनत के, क्यों आपको शिक्षा दे नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है दोस्त। आपकी मेहनत के साथ, बिल्कुल बिल्कुल साहुल जी, एकदम बिल्कुल आपने सही बताया, आप अपनी मेहनत के बदौलत आज जॉब में। मेरे बहुत सारे छात्र गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पवन जी हैं, आपके सन्नी जी हैं, आपके संतोष जी हैं, आपके कुंदन जी हैं, बहुत सारे छात्र गवर्नमेंट जॉब में आज हैं, आशीष जी जुड़ गए हैं। ये सब लोगों को सीखने की आवश्यकता है। शिक्षा विदों पर बार बार सवाल उठता है, ये क्या मजाक बनाओ, खास करके वैसे लोग जो समाज को अलग अलग टुकड़ियों में बांट के अपने रोटियों सेक करने का काम करते हैं, अपने आप को चेहरा चमकाने का काम करते हैं, ये कब तक चलेगा? जब तक समाज में वास्तविक बदलाव की किरण नहीं आएगी, और वास्तविक बदलाव की किरण सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षक समुदाय इस कोरोना काल में क्या नहीं कर रहा है दोस्त, यूट्यूब पर जाइए, लाखों करोड़ों अरबों वीडियो पड़ा है। मैं YouTube पर नहीं था, इस कोरोना काल में मैंने YouTube पर आया, लगभग मेरा लगभग सेंचुरी से ऊपर पुड़ गया है वीडियो, जबकि मैं YouTube पर बहुत कम रहता हूं, क्योंकि मेरा ऐप पर क्लास चल रहा है, लेकिन YouTube पर मेरा भी 100 से ज्यादा वीडियो हो चुके हैं। नवलेश भारती जुड़ गए हैं। इस चीजों को समझने की जरूरत है।
फ्री में आपको एडुकेशन दे रहा, तो पर भी शिक्षक समुदाय जो है जाति और धर्म में बांटने का काम कर रहा है। जब शिक्षक समुदाय बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, आपको याद कीजिए एसएससी और रेलवे का समय था, सभी टीचर ने आपके लिए आवाज उठाया था, पूरे भारतवर्ष के टीचर ने आपके लिए आवाज उठाया था। मेरा वीडियो भी चेक कर लेना बाबू, मैंने भी आवाज उठाया था। खास करके आपको याद कीजिएगा एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए हर टीचर ने आवाज उठाया था, क्या आप उनके साथ आज आवाज नहीं उठा सकते हैं? शिक्षक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। आपसे कोई भी आदमी भीख नहीं मांग रहा है, आपसे सिर्फ सपोर्ट मांग रहा है, उसमें भी सोशल मीडिया पर सपोर्ट मांग रहा है। कभी आपको नहीं कह रहा है कि रोड पर धरना दो, लेकिन आज सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्त। जब तक आप जैसे नौजवान साथी सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कौन सपोर्ट करेगा? आप सोचो, शिक्षक आपके लिए, आपके नौजवान के लिए, आपके साथी के लिए यूट्यूब पर कितना मेहनत करता है। जो आदमी YouTube पर वीडियो डालते हैं, उन्हीं को पता है कि YouTube पर वीडियो बनाने में कितना टफ होता है। ऑफलाइन से ज्यादा टफ होता है ऑनलाइन क्लास करना, और ऑफलाइन से ज्यादा कहीं ज्यादा मेहनत है ऑनलाइन पढ़ाना। ऑनलाइन पढ़ाने में क्या मेहनत है ये आप नहीं समझ सकते हो। सौरभ सुमन जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसलिए नहीं समझते हो क्योंकि आप उस चीजों को समझना नहीं चाहते हो। आप सिर्फ एक जो गलत बातें, निगेटिव बातें को आपको डालने का काम कर रहे हैं। पॉजिटिव को निगेटिव कैसे बनाया जाए ये आप डालने का काम कर रहे हैं। ये कतई शिक्षक समुदाय और शिक्षाविद और विद्यार्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट को आप क्या समझते हैं? छात्र यदि शिक्षक के सपोर्ट में आ जाए तो बहुत बड़ी बदलाव की किरण आ जाएगी दोस्त। इसलिए जितने भी साथी हैं, सभी साथी से आग्रह, वीडियो को शेयर कर दो दोस्त, क्योंकि आज एक की बात है, कल दूसरे आदमी पर आवाज उठेगी, कल छात्रों के बीच आवाज उठाएगी, इसमें दिक्कत कहां पर है बताइए। हम तो हमेशा छात्रों को रोजगार के लिए, युवा और नौजवान के लिए हमेशा हमने आवाज उठाया है। इस समुदाय को आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। पिंकू जी जुड़ गए हैं, कुंदन जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देव नारायण सर जुड़ गए हैं। आप जब तक बदलाव की किरण के लिए शिक्षा का महत्व नहीं देंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। शिक्षा सर्वोपरि धन है, और शिक्षा एक ऐसी धन है जिसको आप ना ही बेच सकते हो ना ही खरीद सकते हो। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ अगर बोलता है लोग कि सर पैसा लेके एडुकेशन देते हैं, तो बाबू पैसा इसलिए लेते हैं कि आपका रेंट लगता है जिस मकान में मैं पढ़ाता हूं, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें पैसा लगी हुई है, और हम लोगों का भी कुछ रोजी रोटी है, इसके लिए आपसे पैसा लेते हैं। पैसा का मतलब कतई नहीं है शिक्षा की बाजारवाद में, यानी शिक्षा को बेचा जाए, ऐसा कतई नहीं होता है। देव नारायण सर, इंजीनियर कुंदन संतोष, सॉरी इंजीनियर कुमार संतोष जी जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चीजों को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक कौन समझेगा समुदाय को? समुदाय को आप जैसे नौजवान साथी की आवश्यकता है। जितने भी साथी आपने देखा, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और बस आग्रह यही है, सपोर्ट करो खान सर को, सपोर्ट करो शिक्षक समुदाय को। बहुत बहुत धन्यवाद।